ださいよ。वैसे श्रीकांत जी ने नहीं किया तो क्या हुआ? गोविंदा ने तो निवेश किया है ना? हाँ, इस योजना के बारे में गोविंदा ने तो समझाया है हमें। वैसे ताई, आपको ऐसी योजना की क्या जरूरत है? आप तो वैसे भी बहुत अमीर हैं। लेकिन अब हमारे पास भी बहुत सारा पैसा आ जाएगा। और ताई, आप जो सामान मंगवाएंगे ना, बंबई से, पुणे से, तो हमें भी बताना। हम भी सामान वहीं से मंगवाएंगे, है ना? मेरी बराबरी करना चाहती है ये सब? मैं लंदन नहीं जा सकी, बंबई में भी नहीं रह सकी। इस गांव में रहने का एक ही सुख है कि यहाँ मैं सबसे अमीर हूँ। वो सुख भी ये औरतें छीनना चाहती है मेरे बराबर अमीर बनने का सपना देख के। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलती हूँ मैं। बहिनी, बांट तो ले लीजिए। हल्दी कुमकुम ले लिया ना? जरूरी काम है मुझे। तुमने तो मेरी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा काम किया गोविंदा। काका, आपने मेरे लिए इतना किया, ये तो मेरा फर्ज था। पता है काका, शिरडी में लगभग 80% लोगों ने पैसे निवेश किए। सपने निवेश किए हैं। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। आपने सही कहा, और मुझे विश्वास है सबके सपने पूरे होंगे। ऐसा होगा ना मधुसूदन? जरूर होगा साईं, मैं वादा करता हूं। मैं तो कहता हूं कि आप भी कुछ पैसे निवेश कीजिए। गोविंदा, तुम द्वारका में ही जाओ, वहां कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनसे कहना मेरा इंतजार करें, मैं आ रहा हूं। जी साईं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया साईं। लोग आपको कुछ ना कुछ तो देते ही होंगे, तो कुछ पैसे निवेश कीजिए, कभी ना कभी काम आ जाएंगे। जो सुख पाया नाम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, आखिर ये तन खाक मिलेगा। काहे फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहे कबीर सुनो भाई साथो, साहिब मिले हैं सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। अच्छाई में निवेश करता हूं, मालिक दुगनी अच्छाई झोली में डाल देता है। लेकिन तुम बताओ मधुसूदन, तुमने क्या निवेश किया है? अच्छाई ही की है ना? कहीं बुराई, बेईमानी, नफरत तो नहीं की है ना? या फिर बदला लेने की भावना तो नहीं आई है ना मन में? जवाब मुझे नहीं,
अपने अंतर्मन को दो मधुसूदन, एक बार आंखें बंद करो और देखो, तुम्हें वो नजर आएगा जो तुमने निवेश किया है। फिर आंखें खोलकर दोबारा बंद करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि उस निवेश के बदले में तुम क्या पाने वाले हो। क्योंकि चिता सिर्फ इंसान की नहीं, अपने सपनों की भी जलती है। एक बार आंखें बंद करो और देखो, चिता सिर्फ इंसान की नहीं, अपने सपनों की भी जलती है। वो साकोरी के रास्ते पर जो मैदान आता है, वही जगह देखी अपनी फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री? हाँ, फैक्ट्री। उसे शिरडी के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बहुत जल्द दूर दूर तक लोग मेरी ही फैक्ट्री से स्टील खरीदेंगे। स्टील? स्टील मतलब इस्पात। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी बड़े आदमी बन जाओगे। हाँ, और हम सबको भूल मत जाना। कैसी बात कर रही हो परी? इतनी कम उम्र में पैसे जमा करके मधु काका के साथ निवेश किए हैं, तुम्हारी इस मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा तुम्हें। साई यही तो कहते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो मधु काका की मदद से हो रहा है। सच में वो बहुत दयालु हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सपना इतनी आसानी से हकीकत में बदल जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ, ऐसा मौका मत गवाओ, अपने आई बाबा को एक बार और बोलो। हमारे आई बाबा नहीं मानेंगे गोविंदा, क्योंकि उनका मानना है कि उनका एक ही बैंक है जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निवेश कर दी है, सब जिसे प्यार से साईं कहते हैं। हमें जितना ब्याज, जितना मूल मिलना है वही देंगे। और सच कहूं तो मेरा भी यही मानना है
जो साई की कृपा से मिलेगा हम उसमें ही खुश हैं। बिल्कुल ठीक कहा। साई अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? उन्होंने मुझे ये कहकर यहाँ भेजा था कि यहाँ उनका कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई मेहमान नहीं आए। मेहमान आए नहीं है तो आ जाएंगे। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। जल्दी करो विमला, खीर बनने में समय तो लगता है ना। हमें साईं को बता देना चाहिए था कि हम खीर लेकर आ रहे हैं। अगर उन्होंने खाना खा लिया तो पता नहीं ये खीर कैसे खाएंगे। आप भी ना, हम कोसों दूर दुनिया में थे, फिर भी साईं ने आपके जख्म को भाप दिया था। फिर क्या साईं मेरे मन की इच्छा को नहीं भाप पाएंगे? ठीक है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं बाबा। ठीक से देखने दे, कई बार पता नहीं चलता है। दिखा। पक्का तुझे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हुआ है उसे। क्या हुआ, तू परेशान क्यों है? सब ठीक है ना? एक चिता के बदले इतनी सारी चिताएं। चिता, ये क्या बोल रहा है तू? हुआ क्या है तुझे? किसी ने कुछ बोल दिया क्या? क्या सोच रहे हैं आप, कुछ तो बताइए। सोच रहा हूं कि ये सब कुछ। अंदर आ सकती हूं?
इच्छाएं होने में कोई दोष नहीं है, लेकिन इच्छा अगर लोभ में परिवर्तित हो जाए तो नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि लोभ के मार्ग पर मनुष्य सही गलत की पहचान करने का विवेक खो बैठता है। अच्छे बुरे की सीमा रेखाएं धुंधली पड़ जाती हैं। साईं अचानक ये क्यों कह रहे हैं? प्रणाम साईं। लो गोविंदा, मेहमान आ गए। माई, खीर लाई हो ना? मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। जी साईं, खीर लेके आई हूँ। आइए काकी, हम खीर परोसने में आपकी मदद करते हैं। हाँ आओ। आओ गोविंदा। ताराचंद जी, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। यह गोविंदा शेरडी का बड़ा ही नेक और होनहार लड़का है। थोड़ा शैतान है, मगर गिर के खुद संभलना भी जानता है। और गोविंदा, ये है ताराचंद जी। से बहुत कुछ सीख सकते हो तुम। मैं समझा नहीं साईं, किस संदर्भ में कह रहे हैं आप? ताराचंद जी का बहुत बड़ा कारखाना है धुलिया में, इस्पात का। ये वो वाले ताराचंद जी है, यहाँ के सबसे बड़े स्टील के विक्रेता। सबसे बड़े का तो मुझे पता नहीं, लेकिन साईं की कृपा से धंधा ईमानदारी से करता हूं। गोविंदा भी इस्पात का कारखाना लगाना चाहता है। मुझे यकीन है आपके मार्गदर्शन से ये बहुत कुछ सीख पाएगा। इसका समय और धन बहुत बच जाएगा। तुम बताओ गोविंदा, क्या जानना चाहते हो तुम? मैंने तो बहुत कुछ सोचा है। सबसे पहले मैं चाहता हूं अरे वाह, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। भगवान करे ऐसी मिठास हर इंसान के जीवन में घुल जाए। साईं, ये गोविंदा तो बड़ा ही होनहार है। बेटा, इस काम में तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत पड़े बेझिझक मुझसे कहना। अब मेरी समझ में आया कि आपने मुझे यहाँ आने को क्यों कहा। अब सबका भला ही सोचते हैं साईं। मेरे सोचने से क्या होता है? होता तो है खुद का भला समझने से। आपकी योजना के बारे में पता चला मुझे। मुझे ये सारे पैसे 2 महीनों में दुगने करके चाहिए।
सोच क्या रहा है बेटा? ले लो पैसे। तूने आज तक किसी को मदद के लिए मना किया है? क्योंकि चिता सिर्फ इंसान की नहीं, अपने सपनों की भी जलती है। पूरे 10,000 रुपए 2 महीनों में दुगने, मतलब 20,000 वापस चाहिए मुझे। यहां गरीब फर्नीचरों के 1,500 के लिए इतनी मेहनत कर रहा था और बैठे बैठे 10,000 मिल गए। आप चिंता मत कीजिए, 2 महीने में पैसे दुगने, इसी के लिए तो हम यहां बैठे। शुक्रिया। लेकिन हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, कोई गड़बड़ मत करना। पता है ना, मैं इस गांव की मुखिया कुलकर्णी सरकार की बहू हूं। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो जितना नुकसान मेरा होगा उससे कई ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। पैसे तो सरकार निकलवा ही लेंगे, पर तुम्हें जेल से कोई नहीं निकाल पाएगा। ताराचंद काका जैसे लोग रोज रोज नहीं मिलते हैं। साई का मुझे इनसे मिलाना जरूर इसी बात का संकेत है कि अगर मैं ताराचंद काका के साथ जुड़ गया तो सफलता के नए मुकाम हासिल कर लूंगा। आई के जितने जेवर लिए हैं उनसे 10 गुना ज्यादा लौटा दूंगा। अब बस मधुसूदन काका के 2 गुने पैसे मिल जाए, फिर उन्नति ही उन्नति है। अल्लाह मालिक। तुम शिरडी की सबसे अच्छी चित्रकार हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मधुसूदन का एक चित्र बनाओ। क्या ये वही चित्र है? जी। मैं देख सकता हूं? ये तो वही इंसान है